व्यावसायिक शिक्षा का समावेश करने का सुझाव अपने आप में अकेला ही शिक्षा के जीवन उपयोगी होने में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की सक्षमता रखता है। यदि इसके सफल क्रियान्वयन की संकल्पना की जाए तो सबसे पहले शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम संरचना मूल्यांकन पद्धति में त्वरित मूलभूत परिवर्तन करने होंगे। इसमें राज्य सरकारों की रुचि, प्रशिक्षकों का दृष्टिकोण परिवर्तन, ध्यान से समझिएगा, राज्य सरकारों की रुचि और प्रशिक्षकों का दृष्टिकोण परिवर्तन तथा संसाधन तीनों का समन्वय प्राप्त करने की कठिन चुनौती सामने आएगी। क्यों? क्योंकि शिक्षक प्रशिक्षण के लिए 4 वर्षीय पाठ्यक्रम की जो संस्तुति की गई है वो सराहनीय है, परंतु जहां 92% संस्थान निजी हो, सरकारी संस्था निराशाजनक स्थिति में हो, वहां पूर्ण उत्साह के साथ नए पाठ्यक्रम को लागू करने के लिए विशेष प्रयास करने होंगे। भाई आज के देश में देखें तो भारत में 8% शैक्षणिक संस्थान वो सरकारी हैं और 92% शैक्षणिक संस्थान वो निजी। सो इन सारी चीजों के दृष्टिकोण से ये बड़ा कठिन कार्य होगा कि सरकार जो योजना बनाए वो सिर्फ सरकारी संस्थानों को साथ में लेकर नहीं बल्कि निजी संस्थानों के भी साथ, सहयोग के साथ और विकास के साथ योजना। अब यहाँ पे एक बात और कि यदि शिक्षक प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम भारत केंद्रित हो जाएं तो इसका सीधा प्रभाव स्कूल शिक्षा पे पड़ेगा, तभी एक जीवंत और गतिशील शिक्षा अवस्था स्कूलों में प्रस्फुटित हो सकेगी। अब फिर समय आ गया है कि शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को सृजनात्मक गतिविधियों तथा नवाचारों का ऐसा केंद्र बना दिया जाए जहां हर तरफ बौद्धिक और व्यवहारिक ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त किया जा रहा हो, जहां कृषि कार्य की समझ को उतना ही महत्वपूर्ण माना जाए जितना महत्व अंतरिक्ष विज्ञान को दिया जाता हो, क्योंकि शिक्षा ही घर घर, गांव गांव, हर घर परिवार में जीवंतता ला सकती है, संतुष्टि प्रदान कर सकती है और हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ा सकती है। शिक्षा नीति 2019 का जो मसौदा है वो भारत में शिक्षा की प्रचलित विसंगतियों का गहन विश्लेषण करने के उपरांत भ्रष्टाचार मुक्त अवस्था की वकालत करता है, भविष्य की अपेक्षाओं का आकलन कर महत्वपूर्ण संस्थितियां की गई हैं, यानी इसमें जो व्यवस्था की गई है वो भविष्य के अकॉर्डिंग आकलन किया गया है और जो भी रिकमेंडेशन की गई है बहुत महत्वपूर्ण है। यह संतोष का विषय है कि इसमें भाषा और संस्कृति के महत्व को केंद्रीय स्थान दिया गया, क्योंकि अभी तक जो शिक्षा नीतियां थी उनमें भाषा और संस्कृति को शायद भुला दिया गया या बहुत ही नगण्य उनका स्थान दिया गया था, लेकिन इस नीति में भाषा और संस्कृति को बहुत बल दिया गया। शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई व्यवहारिक प्रश्नों पर पहली बार विचार करते हुए उसके बहुस्तरीय पुनर्गठन और तदनुसार आवश्यक संसाधनों का प्रस्ताव भी इसमें प्रस्तुत किया गया है। इसमें त्रिभाजा यानी त्रिभाषी सूत्र बहुभाषा भाषी भारतीय समाज के लिए सर्वथा उपयुक्त दिखाई देता है, क्योंकि तीन भाषा बहुभाषा सूत्र ये फॉर्मूले कुछ ऐसे हैं जो इस बहुभाषी बहुविचारवाद या बहुसांस्कृतिकवाद वाले देश के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होने जा रहा है। भाषा के संस्कार द्वारा ही संस्कृति और ज्ञान की समस्त विद्याओं में प्रवेश मिलता है और विचार की दृष्टि मिलती है। इस त्रिभाषा सूत्र में अंग्रेजी की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात रखी गई, क्योंकि हिंदी की अनिवार्यता पर तो विचार रखा गया था लेकिन अंग्रेजी को नहीं, क्योंकि अंग्रेजी अनिवार्यता इस प्रकार से हम अपनी संस्कृति को नहीं बल्कि वेस्टर्न या पश्चिमी संस्कृति को फिर से पुनर्बलित करेंगे, शायद ऐसा सोचते हुए अंग्रेजी की अनिवार्यता को इसमें ना रखने की बात रखी गई है। भारतीय ज्ञान परंपरा का परिचय अनिवार्य रूप से सभी छात्रों को देना समय की मांग है। आज की हकीकत को देखते हुए नई शिक्षा नीति का मसौदा एक बड़ी छलांग है जो किसी भी तरह एक संपूर्ण क्रांति से कम नहीं है। पूर्व प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा से जुड़े सभी मुद्दों पर आमूल चूल परिवर्तन का मतलब
चूल्हे हिला देने वाला, जड़ों से बदलाव कर देना, आमूल चूल परिवर्तन का संकल्प लेकर उपस्थित यह दस्तावेज बड़ी आशावादिता के साथ संरचनात्मक परिवर्तनों, प्रक्रियाओं और विद्यार्थी की ज्ञान और कौशल की सभी संभव संभावनाओं के लिए अवसर का प्रावधान प्रस्तुत करता है। यह अध्यापकों की उपलब्धता की व्यवस्था, उनके प्रशिक्षण और उनकी जीवन दशा को सुधारने के लिए सुझाव भी देता है। परंतु भारत में शिक्षा के लिए संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं रहते हैं। साथ ही सरकारी तंत्र शिक्षा के प्रति कितना असंवेदनशील है और प्रचलित व्यवस्थाएं कितने कितने अवरोधों से वंचित हैं, इसका अनुभव पूरे देश को है। ऐसे में इसे कार्य रूप में लागू करने के लिए दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति होना जरूरी है। आशा है सरकार इस मसौदे को सचमुच भारत केंद्रित विचार के साथ लागू करेगी। अनुशंसित पथ सुधार हमारे छात्रों, शिक्षकों और शैक्षिक संस्थानों को सही दक्षताओं और क्षमताओं से लैस करके एक प्रतिमान बदलाव लाएगा और एक जीवंत नए भारत के लिए एक सक्षम और सुदृढ़ शैक्षिक इकोसिस्टम का निर्माण करेगा। मैंने आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 2019 के मसौदे को इन डेप्थ यहां पर डिटेल एनालिसिस किया। आपको अगर ये सारी चीजें जो मैंने अभी बताई ये नॉलेजफुल लगा, प्रोडक्टिव लगा और इससे अगर आपके जीवन में मेरा कोई अंश सहयोग हो सके तो मैं अपने आप को कृतज्ञ मानूंगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस चैनल को अगर मेरा देख रहे हो तो इसमें एक सब्सक्राइब वाला सिस्टम होता है, लाइक वाला होता है, हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे कि फिर कोई नया जो चैनल जो वीडियो मैं अपलोड करूँ आप लोगों को आसानी से मिल सके। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।